मंगलवार को विधायक प्रकाश राणा ने लड बढ़ोल स्थित विश्राम गृह में जन समस्याएं सुनी। इस दौरान उन्होंने अधिकतर समस्याओं का मौके पर ही निपटारा कर दिया तथा शेष समस्याओं पर अधिकारियों को जल्द उचित कदम उठाने के निर्देश दिए। इस दौरान विधायक ने क्षेत्र में हुए व हो रहे विकास कार्यों पर भी चर्चा की। उन्होंने बताया कि क्षेत्र में एक अटल आदर्श विद्यालय खोलने के प्रयास जारी हैं। यदि ये प्रयास सफल रहता है तो इससे क्षेत्र के लोगों को बहुत फायदा मिलेगा। लंबे समय से क्षेत्र के लोगों की जो CSD कैंटीन की मांग थी वह भी पूरी होने जा रही है। उन्होंने कहा, मेरे स्वर्गीय पिताजी का सपना था कि मैं इस क्षेत्र की सेवा करूं। मैं ईमानदारी से तन मन धन से क्षेत्र की सेवा करने आया हूं और हम बड़ा कुछ कर जाएंगे। जब ईमानदारी से कोई आदमी आता है तो ईश्वर भी साथ देता है। तो मेरे भाइयों, ये जो समय आया है, ये लड़ लाके को एक होने का समय आया है। अभी कहां, अभी हमारे कितने घरों में बेरोजगार है, रोजगार नहीं है, कई घर रोज बेरोजगार है। मेरी यही कोशिश है कि मैं हर घर में रोजगार करूं, लेकिन अब सब सोचते हैं भाई एकदम ही लग जाए तो कहां से होगा। फिर भी 250 लोगों को लगा दिए रोजगार, आगे और लगेंगे, लेकिन आप सोचेंगे अभी सभी लग जाए तो कहां से लग जाएंगे सब। जिस जिसकी किस्मत में लग रहे हैं, हम कोशिश कर रहे हैं आगे और होगा। जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे बड़ा कुछ होगा। सब्र तो करो थोड़ा। ये जो लोग जो है ना, जो लोग गलत बातें करते हैं, ये ऐसे लोग हैं, मैंने इनको देखा है, ज्यादा नहीं है, थोड़े ही है। ये तो अपने माँ बाप के नहीं हुए, भाई बहन गांव तो छोड़ दो, इन्हों को अपने इनके माँ बाप के हाल देखो क्या है। उनको 2 टाइम की रोटी खिलाने वाले नहीं है लोग। इस क्षेत्र को मत बांटो, एक जो समय आया इसका फायदा उठाओ, आगे हमने बड़ा कुछ करना है। ये मैं आपको संदेश देना चाहता हूँ। आज ये एक ऐसा समय आया है, आज कितने स्कूलों को हमने पैसा डाला हर चीज का, लेकिन कोरोना की वजह से थोड़ा सी रुकावट आई है, आगे चलकर बड़ा कुछ होगा। मैं आपको संदेश देना चाहता हूँ। तो हमारी जो सांसद के चुनाव आने वाले, जो मैंने आपको कहा, और बड़ी जल्दी जो है इसके लिए भी मेरे को लगता है कोड ऑफ कंडक्ट लगने वाला है। एक तो मैं हम अब जो हमारे सांसद आदरणीय रामस्वरूप शर्मा जी थे, ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे, अच्छे इंसान थे, अपने इस क्षेत्र के लिए बड़ा कुछ किया, ईमानदार आदमी थे। अब लोग तो कई कुछ बोलते हैं ना जी, लेकिन उसको हमेशा करते हैं। ये जो चुनाव आगे आ रहे हैं, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, हम तो ईमानदारी से किसी का भी काम करते हैं। आदरणीय मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने, जो हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और हमारे मंडी के हैं, मंडी को बड़ी मुश्किल से मुख्यमंत्री मिला है। अगर मुख्यमंत्री मंडी के नहीं होते तो मेरे भाइयों, ना हमें एक आध चीज मिल सकती थी। आज IPS डिवीजन मिला, 10 डिपो मिला, ITI मिली, सिविल हॉस्पिटल मिला, सब तहसील मिली, जो बड़े बड़े काम मैं बता रहा हूँ। वो स्कीमें जो लगी हो तो अलग है, तो एक क्योंकि मंडी का मुख्यमंत्री है, जब मंडी का मुख्यमंत्री चाहते हैं तो मंडी को उठाए। ये जो मुख्यमंत्री हमें मिले हैं, इनकी इस कुर्सी को हम संभालें, इसकी हम रक्षा करें। टिकट मिले चाहे किसी को भी, लेकिन हम सब मिलजुल करके, ये टिकट जो होता है क्या है, ये विधानसभा का चुनाव क्या है, सारा कंस्टिट्यूंसी का चुनाव है, कोई एक का जोनर का थोड़ा नहीं है। तो हम ये इसका जो क्रेडिट जाता है मुख्यमंत्री को जाएगा, तो हमको अपने मुख्यमंत्री को मजबूत करने के लिए हम सब एक हो जाएं। हम जो थाली पे खाते हैं उसमें छेद नहीं करना है। टिकट किसी को मिलता है, हम मिलजुल कर अपने मुख्यमंत्री को मजबूत करेंगे और हम सब एक दिशा पर चलेंगे। हिमाचल दस्तक वेब TV के लिए जोगिंद्र नगर से अमित सूद।